देह व्यापार का पर्दाफाश, 15 युवतियों समेत 44 लोग गिरफ्तार। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक होटल पर छापा मारकर 44 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सबके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रही इन युवतियों पर आरोप है कि फरीदाबाद की नीलम बाटा रोड पर स्थित द अर्बन होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि इस होटल में काफी संख्या में युवतियां और युवक मौजूद हैं और जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वहां अवैध रूप से शराब का सेवन भी किया जा रहा था, इसके अलावा अश्लील नृत्य भी हो रहा था। इस सूचना के बाद पुलिस ने एक सिपाही को फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में भेजा और सूचना के कन्फर्म होने पर छापा मार दिया। पुलिस ने इस छापे में 15 लड़कियों समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यहां कमेटी की पार्टी चल रही थी, जिसमें एनसीआर से इन युवतियों को बुलाया गया था। इनमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की रहने वाली कई युवतियां शामिल हैं। ये हमें करीबन रात 10 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 30-40 युवक और युवतियां एक यहां पे अपने होटल है दी अर्बन करके, उसके अंदर विदाउट मतलब परमिशन के, और वहां पे कई सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं। तो उसी के आधार पे हम वहां पे जाके रेड की थी और उसी के आधार पे हमने पर्चा दर्ज किया है। ये टोटल 15 लोग हैं, फीमेल हैं और इसमें हैं अपने 29 मेल हैं। देखिए जी, हमें वैसे एक अपना हमारे हेड कांस्टेबल था मनोज, उसको भेजा था इन्फॉर्मेशन के आधार पे। वो गया है वहाँ, जाके उसने इनसे बात की है नीचे, तो दो रूम्स थे वहाँ पे कुछ गैर कानूनी काम भी हो रहा था। बाकी ये लोग थे, ये अपनी वहाँ पार्टी कर रहे थे, डांस वगैरह चल रहा था वहाँ पे। शिकायत अब मतलब हमें तो कल ही मिली थी इस चीज़ को लेके, उसके ऊपर कार्रवाई। इसके अंदर हमने 188 लगाई है, 51 BM एक्ट लगाया है और 294 लगाई है, 345 इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लगाया है, 72C एक्साइज एक्ट। नहीं, कोई भी हमारे एरिया में कोई भी गैरकानूनी काम होगा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जरूर एक्ट करेंगे उसके ऊपर।